हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सभी की गेमिंग एंड सभी कैसे हैं आप सभी का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आप लोग जब मैं सर्वाइवल स्क्वाड का वीडियोस डालता हूं तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप सर्वाइवल स्क्वाड का परमानेंट कर चुके हैं वगैरह वगैरह, जो आप सभी लोग पूछते हैं कि स्कारफल वगैरह की वीडियोस आप क्यों नहीं बना रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही चीज़ बताऊँगा कि स्कारफल की वीडियोस में उतना क्यों नहीं बनाता, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे मेन बात गाइस, स्कारफल में 1 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पता है मैं आप लोगों के साथ सर्वाइवल स्क्वाड की गेम को कंपेयर करूंगा इस स्कारफल गेम को। तो सबसे मेन बात गाइस, इस गेम में रियल प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। जब भी मैं गेम को खेलता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, तो बहुत सारे बंदे आते हैं लॉबी में, 100 प्लेयर्स आते हैं, लेकिन किल्स नहीं मिलते हैं। वो किल्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग बॉट्स होते हैं। तो और आप लोग पता है बॉट्स लोग का कैरेक्टर कैसे होता है, बस कई बार वो लोग कहीं पे छुप के बैठे हैं बोट्स लोग, तो वही होता है जब उन लोगों के पास आते हैं तो वो लोग हम लोग को शूट करते हैं, तो बोट्स का वही काम होता है। तो बंदे भी किल्स भी नहीं मिलते हैं स्कारफॉल में, और किल्स अगर मिलता है तो सभी लोग बोट किल्स ही होते हैं। तो मैं आप लोगों को बोट्स की किल्स दिखा के आप लोगों को गेम प्ले वगैरह दिखा करके कोई भी फ़ायदा नहीं है बोट को किल्स करके, तो इसी कारण से मैं स्कारफॉल वगैरह की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। और एक और चीज़, मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जब भी मैं गेम लॉगिन करता हूँ तो अगर वॉल चार में मैं देखता हूँ तो वॉल चार में भी बंदे लोग एक भी ऑनलाइन नहीं मिलता है। तो आप लोग उसमें सोच ही सकते हैं कि गेम के अंदर जो है गाइस, रियल प्लेयर्स एक्टिव नहीं है, इसके जिसकी वजह से मैं गेम को नहीं खेलता हूँ। सर्वाइवल स्कोर में गाइस आप लोग देख सकते हैं सभी के सभी रियल प्लेयर्स होते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ सर्वाइवल स्कोर की बारे में, कि आप सभी लोग को सर्वाइवल स्कॉड में रियल प्लेयर्स ही दिखने के लिए मिलता है। हालांकि आप लोगों को बॉट जैसा दिखेगा प्लेयर्स, लेकिन वो सभी लोग रियल प्लेयर्स हैं। डेवलपर की तरफ से खुद बताया गया है कि सर्वाइवल स्कॉड के अंदर में अभी फ़िलहाल तक बॉट्स ऐड नहीं किया गया है, तो बॉट्स नहीं आएंगे। तो काफ़ी लोग के मन में यही होगा कि बॉट्स है, आप लोगों के सामने एक बॉट की तरह, अगर आप किसी भी प्लेयर को अगर आप किड कर दे तो आप ये मत सोचना कि मैंने बॉट को मारा है, वो रियल प्लेयर्स हैं। बाकी उसकी फ़ोन की लैग की वजह से या इंटरनेट की कुछ इश्यू हो गया होगा जिसकी वजह से आपने उसे किल कर पाया, तो वही कुछ बॉट की तरह दिखते हैं रियल प्लेयर्स सर्वाइवल स्कोर में। तो स्कारफॉल में गाइस यही चीज़ें हैं, रियल प्लेयर्स नहीं मिलता है गेम प्ले वगैरह निकालने के लिए। अगर मिलता है अंडरमैन मैप में, ज़्यादा किल्स दिखने के लिए मिलता है हम सभी को अंडरमैन मैप में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो है बॉट्स है, ठीक है। रियल प्लेयर्स तो बस एक दो ही दिखने के लिए मिलता है, वो भी गलती से। अगर 10 मैच में हम लोग चेक करेंगे तो बस एक दो मैच में मिल जाएंगे रियल प्लेयर्स, जिसकी वजह से मैं इस गेम को ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। इंडिया का गेम है मुझे पता है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ में अभी भी इतना प्लेयर्स गाइस, रियल प्लेयर्स एक्टिव नहीं है, तो गेम को खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस गेम में रियल प्लेयर्स ज़्यादा है, मुझे तो इस गेम के अंदर में रियल प्लेयर्स दिखने के लिए ही नहीं मिला आज फिलहाल तक। तो बहुत सारे मैचेस मैंने खेल चुका है स्कारफॉल के अंदर में, टीडीएम में एक बार मिला मुझे रियल प्लेयर्स, बाकी क्लासिक मैप में तो छोड़ो, कभी दिखने के लिए नहीं मिला रियल प्लेयर्स, अपने टीममेट के साथ भी और टीडीएम में, वही सोलो में तो कहाँ दिखने के लिए मिलेंगे। तो यही चीज़ है गाइस, यही रीज़न है स्कारफॉल का मैं इतना नहीं खेलता। 1 मिलियन प्लस की तो डाउनलोड है, लेकिन प्लेयर्स कहाँ गया है वो चीज़ मुझे नहीं पता, रियल प्लेयर्स एक भी टिकने के लिए नहीं मिलता है। आई डोंट नो ये लेवल के हिसाब से या टायर्स वगैरह के हिसाब से मिलता है कि नहीं प्लेयर्स लोग, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिलना चाहिए। मेरा रैंक अभी ब्राउन सिल्वर पे हो सकता है शायद से, तो उस पर तो रियल प्लेयर्स दिखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, रियल प्लेयर्स नहीं है जिसकी वजह से मैं इस गेम को नहीं खेल रहा हूँ। तो आप सभी लोग सोच रहे रोज़ बताते हैं कि स्कारफॉल की गेम प्लेस लाओ, बोर्ड्स को खेल करके गेम प्ले दिखा करके क्या ज़रूरत है गाइस, आप लोग को कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसके बदले में तो आप लोग को नई गेम्स के ऊपर गेम प्लेस वगैरह दिखाऊँ आप सभी को, वही सबसे अच्छी बात होगी। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स है, यही कुछ इश्यूज है गाइस, जिसको मैं आप लोग के सामने बताना चाहता था, आप सभी को बताना चाहता था स्कारफॉल के बारे में। तो आई होप सो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं स्कारफॉल गेम को उतना क्यों नहीं खेलता हूँ, उनके गेम प्लेस वगैरह क्यों इतना नहीं लाता हूँ कंपेयर टू सर्वाइवल स्क्वाड। सर्वाइवल स्क्वाड में अच्छे खासे बंदे मिल जाते हैं हम सभी को सभी मैचेस में, लेकिन हाँ रात के 12 बजे 1 बजे को तो आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी प्लेयर्स सो जाते हैं उस समय में, ठीक है। इंडिया के प्लेयर्स तो आप लोग को इतना दिखने के लिए नहीं मिलेगा, बाकी अलग कंट्रीज़ के प्लेयर्स आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे मेन बात कि मेरे चैनल में गाइस सर्वाइवल स्क्वाड के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है कंपेयर टू अदर गेम सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जिसकी वजह से मैं सर्वाइवल स्क्वाड की गेम प्लेस ज़्यादा लाता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में सर्वाइवल स्क्वाड की सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है या ऑडियंस ज़्यादा है।
तो आप सभी लोग को माइंड मर्क करना है कि मेरे फेवरेट गेम्स तो नहीं आने वाले, सभी गेम्स आने वाले हैं, गेम चेंजर है तो ज़रूर से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो यही है बस गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि स्कारफुल से बेहतर गाइस मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ गेम को, ठीक है गाइस, मैं गेम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, स्कारफुल से बेहतर तो फायरलाइट 84 है जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। आप लोग उस गेम को खेल सकते हैं, आपकी डिवाइस में 2GB रैम अगर होगा तो थोड़ा सा लैग हो सकता है, लेकिन हाँ प्लेएबल होगा आपकी डिवाइस में, वो आप खेल सकते हैं। और पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा फायरलाइट 84, 1 मिलियन प्लस की डाउनलोड्स हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे। तो बस गाइस आज की वीडियो पे इतना ही है, आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं स्कारफॉल की वीडियोस उतना क्यों नहीं बनाता हूँ। तो यही है कुछ इश्यूज था। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय प्लेइंग गेम्स।